माईसेल्फ कुणाल चंद्राकर, माई यूट्यूब चैनल इस ज्ञान की धारा। जय श्याम। आज मैं आपके लिए लाया हूँ नए नए नियम। तो नियम से लोगों का, मनुष्य का जीवन परिवर्तन होता है, और नियम करने से जीवन में अनुशासन, व्यक्तित्व विकास और भी बहुत सारे विकास होते हैं। तो ज़रूर नियम कीजिए। आज नियम नंबर 75, 76, 77 लाया हूँ। नियम नंबर 75 है कि सूर्योदय से पहले उठे तो आपका भाग्य भी बदलने लगेगा, और नियम और सूर्योदय के बाद जो सोते रहते हैं, सूर्योदय होने के बाद जो सोते रहते हैं उनका भाग्य भी बिगड़ जाता है। तो जितना जल्दी हो सके 1 घंटा पहले उठे सूर्योदय के, और अपना जीवन को उन्नत करें। त्रिकाल संध्या करें, तो जो त्रिकाल संध्या करते हैं उनको रोजी रोटी की फिक्र नहीं होती। सुबह की संध्या करें, दोपहर में 12 बजे के पहले 10 मिनट पहले 10 मिनट बाद संध्या करें, और शाम को जब सूर्य अस्त हो रहा है तो तब त्रिकाल संध्या करें, पूजा पाठ करें तो अच्छा रहेगा। और हर रविवार को नमक नहीं खाएं, और सोमवती अमावस्या के दिन तुलसी की 108 परिक्रमा करें, जिससे दरिद्रता का नाश होता है। किसी के जीवन में दरिद्रता तो ख़त्म होगा। और ओमकार का विनियोग सहित 120 माला करें, तो 50 दिन ऐसा करने पर सूर्य नारायण को खीर और जल का अर्घ दें, तो बहुत ही आपके जीवन में उन्नत होगा, आपके जीवन में दरिद्रता का नाश होगा। कई जन्मों की दरिद्रता भी मिटेगी, 7 जन्मों की दरिद्रता मिट जाती है, और अकुट धन संपदा की प्राप्ति होती है। जो कभी ना खत्म हो ऐसा संपदा को बोलते हैं अकुट संपदा। और गीता के आखिरी श्लोक का 21 बार जप करें। 18 अध्याय का आखिरी श्लोक है, यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थो धनुधर तत्र श्री विजय भूतिर्भुवा नीतिर्मतिर्मनः। ये मंत्र ऐसा है कि किसी को गलत केस में फंसा दिया गया तो जीत हासिल करने के लिए 21 बार ये मंत्र करें। और बाल दाढ़ी कटवाने के लिए बुधवार और शुक्रवार को कटवाएं, तो धन की प्राप्ति होती है, और बाकी दिन ना कटवाएं। और दीपावली के रात्रि को जप करने से बहुत लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। लक्ष्मी माता का मंत्र जप करें तो ओम लक्ष्मी नमः, ओम मतलब भगवान लक्ष्मी का ही मंत्र का जाप करें तो अच्छा रहेगा। और यदि किसी ने गुरु अच्छे गुरु से मंत्र लिया है तो वो भी जप कर सकते हैं। नियम नंबर 76, स्वास्थ्य रहने के लिए मंत्र जो बताए हैं गुरु ने उनका जप करें, जैसे कि ओम भूम विष्णवे नमः का जप करें। हो सके इसका रोज एक माला करें। इस मंत्र को जप करने से डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। आजकल डॉक्टर लोग, बड़े बड़े डॉक्टर और बड़े बड़े हॉस्पिटल में लूट का जरिया बना लिया गया है। तो जितना हो सके आप योगा करें और मंत्रों का जप करें तो शरीर स्वस्थ रहेगा। उसका मंत्र के जप का असर शरीर पर पड़ता है, रक्त के कणों पर पड़ता है, रक्त शुद्ध होता है, शरीर शुद्ध होता है, तो बीमारी नहीं होती। नियम नंबर 76, रोज खुली हवा में टहले सुबह शाम, मतलब रोज 1 से 2 किलोमीटर टहले सुबह हवा का ले, सुबह का हवा को ले, उसमें ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा होती है। और टहलते हुए जब भी कर सकते हैं, मन ही मन में भगवान का नाम लेते हुए घूमें। और सुबह की वायुमंडल में ऑक्सीजन बहुत होता है जो कि हमारे प्राण शक्ति को बढ़ाता है, और धूल के कण बहुत ही कम होते हैं। सुबह हर रोज़ सुबह हवा लें और बाहर का कम खाएं, बाहर का जो चीज़ होते हैं शुद्धता चीज़ खाएं, सात्विक चीज़ें खाएं। धन्यवाद।